नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर मैं आ चुका हूं आपके सामने महोत्सव एवं आयोजन की। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जनवरी 2020 से अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हुए हैं और वो फेस्टिवल्स कहाँ कहाँ पर आयोजित होते हैं या फिर उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उन सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है दोस्तों, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताऊँगा जिससे आपको और भी महोत्सव याद होते चले। तो पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है। एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज अब रेगुलर आती हैं डेली इवनिंग में 8:30 बजे। ठीक है, 8:30 PM पर डेली आती है वीडियो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और डेली ऐसे ही स्पेशल वीडियोस को जरूर देखा करो। चलिए दोस्तों बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 20वां हार्नबिल महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया। जल्दी जल्दी कमेंट करके आप लोग बताइए, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। जो लोग पुराने होंगे वो लोग जानते होंगे रूल क्या है, आपको कमेंट करके अपना आंसर बताते चलना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा, उससे रिलेटेड चीज़ें भी बताऊंगा और एंड में आप अपना स्कोर हमें कमेंट करके बता देंगे कि कितने में से कितना आप सही कर पाए। ओके, तो जल्दी से बताइए 20वां हार्नबिल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ। तो ये दोस्तों आयोजित हुआ नागालैंड में। कहाँ पर? नागालैंड में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए, ये नागालैंड का तो महोत्सव होता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में पहली बार कहाँ पर मनाया गया या किस राज्य में पहली बार हार्नबिल फेस्टिवल मनाया गया, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बार त्रिपुरा में पहली बार मनाया गया। कहाँ पर? त्रिपुरा में पहली बार मनाया गया हार्नबिल फेस्टिवल। लेकिन हार्नबिल फेस्टिवल होता कहाँ का है? ये नागालैंड का ही होता है और 20वां वाला जो संस्करण था ये नागालैंड में मनाया गया। ओके, चलिए तो क्लियर हो गया होगा। अगर हार्नबिल फेस्टिवल आपसे पूछी लिया जाए कि किस राज्य में मनाया जाता है, तब आपको नागालैंड ही लगाना है हमेशा। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि त्रिपुरा में भी मनाया गया था, तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। 20वां हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, पहला हार्नबिल फेस्टिवल त्रिपुरा में। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, मेघालय में आयोजित हुआ नॉर्थ ईस्ट फूड शो कितने दिन का था। नॉर्थ ईस्ट फूड शो कहाँ पर आयोजित हुआ, ये तो आंसर मिल गया आपको मेघालय में, लेकिन ये कितने दिवसीय था? तो ये 3 दिनों का था दोस्तों, 3 दिवसीय था नॉर्थ ईस्ट फूड शो जो कि मेघालय में आयोजित हुआ। अगला, संतरा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ। संतरा महोत्सव, फटाफट आंसर कीजिए, संतरा महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो दोस्तों अगर आपने बी ऑप्शन लगाया है मणिपुर, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। संतरा महोत्सव दोस्तों मणिपुर में मनाया गया। अच्छा दोस्तों, मणिपुर से मैंने आपको 3 पॉइंट याद रखाए थे कि जैसे ही मणिपुर आए आपको 3 बार स लिख देना है। क्या लिखना है? 3 बार स लिख देना है। अब देखिए, एक तो हो गया संतरा महोत्सव और एक होता है दोस्तों संगाई महोत्सव और एक होता है सिरुई लिली महोत्सव। तो 3 स से 3 स से जो महोत्सव मनाए जाते हैं वो मणिपुर में मनाए जाते हैं, ये मैंने आपको याद कराया था। अगर आपको याद हो, संतरा महोत्सव, संगाई महोत्सव और सिरुई लिली महोत्सव, ये तीनों महोत्सव मणिपुर से। तो मणिपुर जब भी आए आपको 3 स लिख लेना है। क्लियर? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। बिल्कुल क्लियर होगा आपको, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया मणिपुर में, इसको तो आप सही कर ही ले जाएंगे। संगाई महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? मणिपुर मनाया गया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अगला, शिलांग यानी मेघालय में हुआ चेरी ब्लॉसम महोत्सव कौन सा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव था। तो दोस्तों मेघालय की राजधानी शिलांग में आयोजित हुआ चेरी ब्लॉसम महोत्सव, इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव। आपको ये बताना है कि कौन सा ये महोत्सव था, कौन सा संस्करण था इस बार। तो देखिए दोस्तों, ये चौथा इस बार का महोत्सव था, चौथा अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव था जो कि मेघालय की राजधानी शिलांग में आयोजित हुआ। इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा खुला थिएटर प्रोग्राम कहाँ आयोजित हुआ। विश्व का सबसे बड़ा खुला थिएटर प्रोग्राम, ओपन थिएटर प्रोग्राम कहाँ पर आयोजित हुआ, फटाफट से आंसर करते जाइए। तो ये दोस्तों आयोजित हुआ उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा के बारगढ़ में ये आयोजित हुआ, विश्व का सबसे बड़ा खुला थिएटर प्रोग्राम था। इसे क्या कहते हैं? धानु यात्रा महोत्सव के नाम से जानते हैं। किस महोत्सव से? धानु यात्रा महोत्सव था ये, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर प्रोग्राम था। ठीक है, तो धानु यात्रा महोत्सव अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर आयोजित हुआ, तब भी आप बताएंगे उड़ीसा में। और ये जो धानु यात्रा महोत्सव था ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर प्रोग्राम था। ओके,
नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव की शुरुआत किस सन में हुई? इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल किस सन में शुरू हुआ? ये दोस्तों 1989 में शुरू हुआ, 1989 से शुरू हुआ है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये गुजरात में मनाया जाता है, मोस्टली गुजरात में अहमदाबाद में मनाया जाता है, लेकिन गुजरात के कई ज़िलों में अब मनाया जाने लगा है, ठीक है। और 1989 से शुरू हुआ है, यानी कि 30 साल हो गए हैं, और इस बार का इसका 31वां संस्करण था, ठीक है। 30 संस्करण इससे पहले हो चुके हैं। तो 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव कहाँ पर मनाया गया? गुजरात में मनाया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बक्सा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? बक्सा नेशनल पार्क, इस क्वेश्चन को इसलिए लिया गया है दोस्तों क्योंकि अभी हाल ही में चौथा बक्सा पक्षी महोत्सव मनाया गया। कौन सा? चौथा बक्सा पक्षी महोत्सव मनाया गया था, और ये इसी नेशनल पार्क में मनाया गया था, बक्सा नेशनल पार्क में। कहाँ पर स्थित है ये? पश्चिम बंगाल में स्थित है बक्सा नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क में दोस्तों पक्षियों की 3000 से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं, ओके। और यहीं पर अभी हाल ही में चौथा बक्सा पक्षी महोत्सव मनाया गया। क्लियर? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 23वां राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, थोड़ा सा हिंट दे दूं आपको तो ये जनवरी में, 12 जनवरी से शुरू हुआ था, 5 दिवसीय फेस्टिवल था, महोत्सव था, 12 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में चला था। 12 जनवरी को क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है, आप सभी को पता है 12 जनवरी को, और एक दिवस भी मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, उसी अवसर पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव शुरू हुआ था। कहाँ पर शुरू हुआ था? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। डी ऑप्शन अगर आपने लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है। 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? लखनऊ में मनाया गया, 5 दिवसीय ये था। क्लियर है? नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव में कितनी मूवीज दिखाई गई? तो सबसे पहले तो आप लोग कमेंट करके यही बता दीजिए कि 9वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव आयोजित कहाँ पर हुआ? 9th इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल्स कहाँ पर आयोजित हुआ? ये दोस्तों कोलकाता में आयोजित हुआ। कहाँ पर? कोलकाता में आयोजित हुआ, और इसमें 45 देशों से, 45 कंट्रीज से दोस्तों 250 मूवीज दिखाई गई थी, 250 मूवीज दिखाई गई थी। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, 9वां इस बार का संस्करण था, इसे आपको याद रखना है। ओके दोस्तों, जो लोग हमारी ई बुक लिए होंगे लास्ट 6 मंथ वाली, उस लास्ट 6 मंथ में मैंने आपको बताया था कि आपको करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा अगर आप ई बुक से पढ़ते हैं। तो उसी करंट अफेयर से आपका रिवीजन कराया जा रहा है, ये सीरीज स्टार्ट की जा रही है, टॉपिक वाइज वीडियोज़ आपको दिए जा रहे हैं। और उसमें होता क्या है कि जो लोग याद नहीं कर पाते हैं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि सर हम याद नहीं कर पा रहे हैं, इतना ज़्यादा है मटेरियल, तो फिर उन्हीं को याद कराने के लिए जैसे ही मैं आपको कोई टॉपिक दूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आज मैंने ये टॉपिक पर वीडियो बना दिया है, अब आपको करना क्या है, इस पर आप लोग अपना स्कोर चेक कीजिए कि आपको कितना स्कोर आपका आ रहा है, ठीक है, आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। जब आपको आपका स्कोर पता लग जाए उसी हिसाब से आप लोग जाइए और इस टॉपिक को ईबुक में ओपन करके पढ़ लीजिए, ठीक है। तो जैसे मैं आपको ये आज महोत्सव और मेले की वीडियो दे दी है, तो आपको आज क्या करना है कि जाना है ईबुक ओपन करना है लास्ट 6 मंथ वाली, और उस ईबुक में महोत्सव और मेले वाला चैप्टर आपको आज पढ़ लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद जब इसका अगला पार्ट आएगा तो फिर आपको बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा 1-2 घंटे पहले 3 घंटे पहले टेलीग्राम ग्रुप पर, और उसके बाद आप लोग को वहाँ से जाकर के पढ़ लेना है, उसके बाद आकर टेस्ट लगा लेना है। सिंपली अगर इस तरीके से पढ़ोगे दोस्तों तो आप हर एक पार्ट, हर एक चैप्टर कवर अप कर पाओगे और बहुत ही अच्छे से आपका याद हो जाएगा। करंट अफेयर में फिर 100% कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग अगर ईबुक नहीं लिए हो तो ईबुक जाकर के ले लो और पढ़ाई जारी कर दो। देखिए पढ़ाई के लिए आपको थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। अब इससे पहले जब आप ऑफलाइन पढ़ाई करते थे तब क्या आप बुक और नोट्स वगैरह नहीं खरीदते थे, पेन वगैरह नहीं खरीदते थे? अब आज आपके पास सारी चीज़ें ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन मौजूद हो गई है, सब कुछ अवेलेबल हो गया है, आपको ना बुक परचेज करने की ज़रूरत है और काफ़ी हद तक आपको नोट्स भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप अपनी फाइल को बहुत ही अच्छे से मोबाइल में मैनेज कर सकते हो तो आपको नोट्स भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो नोट्स में सिर्फ आपको रफ कॉपी ही लेनी है, बाकी ई बुक वगैरह तो मैं प्रोवाइड कर ही देता हूँ, बुक्स आपको लेना ही नहीं है, पेन आपको 1-2 सिंपल पेन चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको फेयर कॉपी तो बनानी नहीं है। तो ये सभी जो पैसा बच रहा है इसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो ई बुक्स वगैरह में। ई बुक लेने के बाद आपको खुद ही लगेगा कि आपको पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज मिल गया है करंट अफेयर का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, 2020 में जयपुर साहित्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ?
जयपुर साहित्य महोत्सव, ये जयपुर राजस्थान में मनाया गया, 5 दिवसीय था, यानी कि 5 दिनों का ये फेस्टिवल था 2020 का। इसका कौन सा संस्करण था ये आपको बताना है, तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल, अगर आपने 13वां संस्करण लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट लगाया है, 13वां संस्करण था जयपुर साहित्य महोत्सव का। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला नर्मदा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ। नर्मदा नदी से तो बिल्कुल आपको क्लियर हो ही गया होगा, इसको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। नर्मदा नदी कहाँ पर ज़्यादा बहती है, मध्य प्रदेश में, तो ये नर्मदा महोत्सव भी मध्य प्रदेश में मनाया गया। अच्छा दोस्तों, 2 पॉइंट मैंने आपको नदियों वाली वीडियो में बताया था कि नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी बड़ी नदियाँ हैं भारत की जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। वैसे मोस्टली नदियाँ आप देखोगे तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन ये दो बड़ी नदियाँ ऐसी हैं नर्मदा और ताप्ती जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला है 21वां काला घोड़ा महोत्सव कितने दिवसीय था। 21वां काला घोड़ा महोत्सव, काला घोड़ा फेस्टिवल, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है जिस राज्य में मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके हमें बता दीजिए जल्दी से किस राज्य में मनाया जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, अगर कोई भी एग्जाम में फेस्टिवल से क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें 70-80% चांस होता है कि ये काला घोड़ा फेस्टिवल पूछा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है। लेकिन आज के बाद आपको बिल्कुल याद हो जाएगा अगर आपको नहीं पता है तो, जल्दी जल्दी हम आंसर कीजिए। जी दोस्तों, ये मुंबई में मनाया जाता है, मुंबई का बहुत ही पसंदीदा ये फेस्टिवल होता है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ये मनाया गया 21वां काला घोड़ा महोत्सव, और ये 9 दिवसीय मनाया गया, ठीक है, 9 दिनों का ये फेस्टिवल था, 21वां संस्करण, याद रखिएगा मुंबई महाराष्ट्र में ये मनाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों जून मंथ की फुल डिटेल करंट अफेयर की ईबुक आ चुकी है, चैनल पर अवेलेबल है, इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं करंट अफेयर की कैटेगरी वाइज, जो लोग करंट अफेयर रेगुलर परचेज करते हैं उन सभी लोगों को पता होगा। ये ईबुक दोस्तों ना सिर्फ आपको अभी पढ़ने में काम आएगी, बल्कि आपके पास एक ऐसा नोट्स, एक ऐसी नोट्स तैयार हो जाएगी जो आप एग्जाम टाइम में जब आप एग्जाम देने जाओगे तो क्विकली रिवीजन कर पाओगे जिससे, ठीक है, तो क्विकली रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इसमें आपको सब कुछ फुल डिटेल कैटेगरी में तो मिलता ही है, लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाता है जिससे आप प्रैक्टिस भी कर पाओ। ये प्रैक्टिस सेट 100+ क्वेश्चंस का होता है, ठीक है, तो आप लोग परचेज कर सकते हो। कहाँ पर परचेज करना, कहाँ से, MZT ऐप से जाकर के इसे ले सकते हैं आप, ठीक है, और साथ ही अगर कॉम्बो ईबुक लेना चाहते हैं तो आपको ऑफर वगैरह भी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पहला जेरूसलम मुंबई महोत्सव भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ। पहला जेरूसलम मुंबई महोत्सव भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ। जेरूसलम किसकी राजधानी है आपको पता होगा, यहाँ से आप लोग गेस कर सकते हैं, ये भारत और इजराइल के बीच आयोजित हुआ। दोस्तों कहाँ पर आयोजित हुआ, मुंबई में आयोजित हुआ, इस बार पहला संस्करण था, भारत और इजराइल के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित हुआ, मुंबई में आयोजित हुआ, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है प्रज्ञान सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित हुआ। प्रज्ञान सम्मेलन 2020 फटाफट आंसर कीजिए, कहाँ पर आयोजित हुआ। ये दोस्तों भारतीय सेना की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी होती है, और कहाँ पर आयोजित हुआ इस बार, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कहाँ पर, नई दिल्ली में, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये तो थे दोस्तों 15 इंपॉर्टेंट महोत्सव और मेले। अब आपसे मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, उस क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है, ठीक है, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और आपके लिए एक और चैनल बनाया गया है MZT एजुकेशन 2.0, उसको भी सब्सक्राइब कर लो, उस पर भी बहुत ही अच्छी सी वीडियोज़ आने वाली हैं जो कि आपके क्विकली रिवीजन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। दोस्तों अब एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गए हैं, ऐसे में अब आपको रिवीजन पर ध्यान देना है, और रिवीजन आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से होता रहेगा, बस आपको जो जो मैं कहूँ आप वो करते रहिए। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन है, पहला अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट 2020 ये कहाँ पर आयोजित होने वाला था जो टाल दिया गया, ठीक है, स्थगित कर दिया गया, कहाँ पर लेकिन आयोजित होने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है, COVID-19 महामारी की वजह से इसे टाल दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट, बताइए जल्दी से कमेंट करके, मैं आपका इंतजार करूंगा, कमेंट पढ़ूंगा। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, ऐसे ही यूजफुल कंटेंट आपको मिलते रहें। अगली टॉपिक क्या हो आप लोग कमेंट करके हमें सजेस्ट कर सकते हैं, लिस्टेड कर दी जाएगी, आने वाले दिनों में आपको वो वीडियो जरूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।